हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिचमैन्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इनका पूरा नाम अगर कहा जाए तो ही इज एल्बर्ट ओ रिचमैन्स। तो इन्होंने जो अपना थ्योरी दिया था, ये थ्योरी बेसिकली नर्ट्समैन का एक थ्योरी है विच इज नोन एज द बैलेंस ग्रोथ मॉडल। तो नर्ट्स थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल, इसके ऊपर बेस करके रिचमैन्स का थ्योरी आता है, इसी पर्सपेक्टिव में आता है। तो पहले हम लोग को यह समझना है कि बैलेंस ग्रोथ मॉडल में किस चीज के बारे में एक्चुअली बात किया गया है, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट हम लोग रिचमैन्स के थ्योरी में मूव कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद बैलेंस ग्रोथ मॉडल, यहाँ पे अगर एक शब्द में, एक लाइन में अगर कहना चाहे तो हम लोग इस सिचुएशन को कह सकते हैं कि हर एक सेक्टर को इक्वली एवं समान तरीके से, दैट इज इन अ बैलेंस्ड वे, आगे बढ़ना जरूरी है। देन ओनली द डेवलपिंग कंट्रीज विल बी एबल टू अचीव अ ग्रोथ इन फॉर देयर इकोनॉमी। तो ये होता है बैलेंस ग्रोथ का मुद्दा पॉइंट। ओके, नाउ रिचमैन ने कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। सो द थिंग दैट ही इज कंसर्न्ड अबाउट इज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, और उन्होंने कहा कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए कभी भी पॉसिबल नहीं है टू अटेन अ बैलेंस ग्रोथ मॉडल। ओके, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को हम लोग जनरली किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं कि दे आर दी पुअर कंट्रीज, दे आर नॉट इकोनॉमिकली एडवांस्ड इन मेनी पर्सपेक्टिव्स। तो इसीलिए इन्हीं सभी के कारण एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री पुअर है, एंड दैट इज व्हाई ही हैज ऑलवेज बीन इंक्लूडेड इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, राइट। तो इसीलिए रिचमैन ने कहा कि कभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए बैलेंस ग्रोथ मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। सो रिचमैन ने अपना पर्सपेक्टिव क्या बताया, उन्होंने कहा कि बैलेंस ग्रोथ चूंकि अचीव करना पॉसिबल नहीं है फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और द वेरी पुअर कंट्रीज, तो इनके लिए अनबैलेंस ग्रोथ विद अ वेरी हाई प्रिसीशन अप्रूव करना ज्यादा आसान रहेगा। सो रिचमैन सजेस्टेड टू गो फॉर एंड टू गो फॉर अ प्लान्ड अनबैलेंस्ड ग्रोथ। देखिए ये शब्द जो प्लान है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लान्ड अनबैलेंस्ड ग्रोथ के प्रति रिचमैन ने सजेस्ट किया था। आई एम जस्ट राइटिंग एच। ओके, सो रिचमैन सजेस्टेड दिस थिंग क्योंकि उनको लगा कि बैलेंस ग्रोथ का एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होने चाहिए ये कहीं पर भी बताया नहीं गया है। तो वी कैनॉट गो फॉर एन अनश्योर थिंग विच इज अ बैलेंस ग्रोथ। हाँ, अल्टीमेटली हाँ, बैलेंस ग्रोथ तो अचीव करना है, मगर वो बैलेंस ग्रोथ है क्या चीज, कि कितना परसेंटेज में ग्रोथ होना चाहिए, इन एवरी सेक्टर दैट मैटर्स। सो इसीलिए कहा गया है कि प्लान अनबैलेंस्ड ग्रोथ की तरफ अगर बढ़ा जाए फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज दैट वुड गिव देम एन एज। सो नाउ कमिंग टू दिस, द नेक्स्ट पार्ट कम्स हियर इज दैट कि तो ये जो मेन जो सेक्टर है कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ के प्रति आगे बढ़ना है, तो ये किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। Now that thing comes in, जो भी key industries है, key industries, और इन सारे key industries को, that is important industries का, जिनका strong forward and backward linkage है, only those sectors can be included under this unplanned balance growth. Key sector having strong
forward and backward linkages. So in that scenario, ये सारे industries को हम लोग unplanned growth industry, growth theory में include कर सकते हैं and ultimately ये भी देखा जा सकता है कि सारे industries का growth तो हो ही रहा है and the economy is also growing. So now coming, थोड़ा सा बता देते हैं कि forward linkage और backward linkage में difference क्या है. Backward linkage is basically backward linkage. ये है एक scenario जहां पे एक industry को raw materials या intermediate goods या inputs जो चाहिए उन सारे चीजों को हम लोग backward linkage में डाल सकते. That means for suppose a manufacturing sector के लिए agriculture का होना बहुत जरूरी है in order to get the raw material. So the agricultural sector is the backward linkage of the manufacturing sector. Or industrial sector as well. In the same way, the forward linkage is the place जहाँ पे final output को अगर हम लोग sell करें, that is the final market जहाँ पे consumers and producers दोनों interact करते हैं, तो that is the forward linkage कि आपका अपने industries में जो products बन रहे हैं वो आप कितने सारे मार्केट में ओवरऑल बेच सकते हैं, दैट इज गिविंग यू अ फॉरवर्ड लिंकेज. और यहाँ पे चूंकि दोनों का ही स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, तो ये चीज याद आप अवश्य रखिए कि स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज होना जरूरी है. ओके, नाउ कमिंग टू दिस, तो यही कहा गया है, हिर्शवैन ने इसी थ्योरी से आगे बढ़ा है. तो देखिए, नर्क्स ने अपने थ्योरी में कहा है कि हर एक सेक्टर का इक्वल अमाउंट में ग्रोथ रहना बहुत जरूरी है. दैट मींस अगर मेरा एग्रीकल्चरल सेक्टर बढ़ रहा है तो उसी अमाउंट में माय इन्वेस्टमेंट गुड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर इज आल्सो इम्प्रूविंग. इफ माय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज इम्प्रूविंग, सो इज माय इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल. तो ये जो पॉसिबिलिटीज है कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीनों ही सेक्टर या मेनी सेक्टर्स एक साथ एक ही अमाउंट में बढ़ना, दिस इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल. तो यही चीज हिर्शवैन ने अपने थ्योरी में पॉइंट आउट किया है और यही कहा है कि वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन सर्टेन सेक्टर्स एंड नॉट ऑन ऑल सेक्टर्स. आई मीन यूजिंग दिस पार्ट, सो फोकस only on certain sectors rather than on all sectors. क्योंकि आपका अगर certain sectors की बात कर रहे हैं ना, तो ये basically और कुछ नहीं है, this is nothing but the key industries that he is talking about. तो ये कुछ industries के बारे में ही true है जहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है. तो इसी तरीके से ये सर्टेन सेक्टर्स की बात आ रही है इन द पिक्चर. अब इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और प्रूफ करेंगे कि व्हाई द हिर्शमैन थ्योरी इज मच मोर एप्लीकेबल फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज रादर देन द नर्क्स बैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल. तो एक सिचुएशन लेंगे, सिचुएशन से शुरू करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, we have a LDC, less developed country, okay, हमारे पास एक LDC country है. अब इसका problems क्या क्या हो सकता है आप बताइए. इसके पास तो ये, चूंकि the word is there LDC, less developing country, that means इसका GDP कम है तो income कम है, right? So income इज लेस. अब देखिए, अगर इनकम लेस है तो नेचुरली इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो लेस, और अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो आपका कैपिटल स्टॉक भी तो स्मॉल ही होगा. कहां से आपका कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा? एंड याद रखिएगा कि फॉर अ स्मॉल कंट्री और अ लेस डेवलपिंग कंट्री, इनके लिए हमेशा पॉसिबल नहीं होता है टू गेट अ लोन फ्रॉम द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, बिकॉज दैट लोन अगेन डिपेंड्स ऑन द एसेट्स ऑफ द मार्केट. ठीक है,
अल्टीमेटली देखा जाता है कि कैपिटल स्टॉक कम है, तो ऐसे एक कंट्री का कभी भी पॉसिबल है टू हैव अ बैलेंस्ड ग्रोथ जहां पे सारे सेक्टर्स का एक साथ ग्रोथ हो रहा है? थिंग इज नो. सो अगर इस लेस डेवलप्ड कंट्री, इस पर्टिकुलर कंट्री में अगर बैलेंस्ड ग्रोथ पॉसिबल होता, दैट मीन्स एग्रीकल्चरल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रीज, सर्विसेस, व्हाट एल्स, इन्वेस्टमेंट, गुड सेक्टर. तो इन सारे सेक्टरों का, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो इन सारे सेक्टरों का एक साथ प्रगति होना बहुत जरूरी है फॉर अ बैलेंस्ड ग्रोथ. सो इफ वी अज्यूम कि इस छोटे से कंट्री में या लेस डेवलप्ड कंट्री में अगर ये सारे फैक्टर्स का ग्रोथ हो रहा होता, दैट मीन्स उसको इस कंट्री के पास एग्रीकल्चरल, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर या इन्वेस्टमेंट गुड सेक्टर, इन सारे सेक्टरों को अगर सस्टेन करने के लिए इनकम रहता ताकि बैलेंस ग्रोथ अचीव किया जाए, तो शुरुआत में ही उसके पास एक सफिशियंट इनकम रहना बहुत जरूरी था. सो अगर उसके पास सफिशियंट इनकम होता, दैट मीन्स वो कभी भी लेस डेवलप कंट्री नहीं होता. ये अच्छे तरीके से समझे, बिकॉज दिस इज अ पैराडॉक्स. इफ द लेस डेवलप कंट्री वुड हैव हैड द मनी और द इनकम टू सस्टेन ऑल द रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स साइमल्टेनियसली टूगेदर टू ग्रो इन ऑर्डर टू अचीव द बैलेंस्ड ग्रोथ रेट, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू क्लेम दिस लेस डेवलप कंट्री या लेस डेवलप कंट्री. तब वो डेवलप कंट्री होता. तो इसी के पास कभी भी इनकम था ही नहीं कि ये अपने सारे सेक्टरों को इक्वल अमाउंट से अटेंशन दे पाए, ताकि सारे सेक्टर्स का इक्वल अमाउंट से ग्रोथ हो सके. यही पे आता है कि व्हाई द हिर्शमैन थ्योरी इज मच मोर एप्लीकेबल फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड नॉट द नर्क्सेस थ्योरी. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नर्क्से ने अपने थ्योरी में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या लेस डेवलप्ड कंट्रीज को कभी कंसिडर ही नहीं किया. उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना जो थ्योरी दिया है, दैट इज ओनली फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज. ऑल्दो उन्होंने इस चीज का जिक्र एक्सक्लूसिवली नहीं किया है अपने मॉडल में, विच हिर्शमैन हियर पॉइंटेड इट आउट. तो इसी के साथ हमारा हिर्शमैन थ्योरी खत्म होता है. एंड आप लोगों का किसी भी तरीके का डाउट हो, प्लीज लेट अस नो. And thank you for watching this.